ठीक हो गया। तो आज का जो सेट है ठीक हो गया, और इन पहले है वो आपका पावर पॉइंट है। तो इस पे जाएंगे और चेक करेंगे इसका कितना रिस्पांस है आ रहा है फाइवर पे और कितना कंपटीशन है इसका। तो हम चलते हैं फाइवर के ऊपर, ठीक है। एमएस वर्ड तो इसको नहीं आता तो वो काइंडली इसको सीख ले। ये आप के आगे बहुत काम आएगा। आप ज्यादातर जो है उस प्रिंसी आपको बहुत काम आएगा एमएस फाइल बनाने के लिए, ठीक है। देखिए इस तरह से इन्होंने इधर गिग्स वगैरह डाली हुई है और ये इस इनका रिस्पांस भी आ रहा है। इधर सर्विस चेक कर लें, ये सर्विस 4200A1 सर्विस ये है। इधर वैली इसकी कंपटीशन है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसके ऊपर कितनी स्ट्रगल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका जो कीवर्ड मैं आपको बताया था जो आपके वर्ड्स हैं वो क्रिएटिव होने से दिस आपका जो आए ठीक है। रिव्यूज हैं और इनके पास फॉर जो है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये ओपन कर लेते हैं, तो ये ओपन करके ये देखें ना इन्हें कैसे क्रिएटिव कीवर्ड्स जो हैं वो क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए कैसे क्रिएटिव कीवर्ड्स यूज किए हैं। तो आपने भी इसी तरह क्रिएटिव कीवर्ड्स जो हैं वो यूज किए, ठीक है। तो मैं आपको जो है एमएस वर्ड का इंटरफेस भी शो करवा देते, इस पे हम जो है वो क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये देखिएगा ये एमएस वर्ड मेरे पास 2010 का वर्जन है। तो कोशिश करें कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन हो, तो आप इसके थ्रू जो है एमएस वर्ड के थ्रू आप जो है वो अपना फाइल भी रेडी कर सकते हैं और इसमें आप डिफरेंट चेंजेस भी कर सकते हैं। मतलब आपने अगर मेरा शो हो रहा है पासवर्ड ऐप शो हो रही है मेरी, काइंडली बताइएगा, कोई बताए ठीक है ठीक है। तो एस फैड के मैं बारे में बता रहा था कि आप इसके थ्रू जो है आप फ्यूचर जब आप अगर कोई जॉब करते हैं तो ये जो कोर्स है एमएस वर्ड का ये आपके बहुत आगे काम आने वाला, ये कह लें कि आपके डेली रूटीन वर्किंग में भी आपका ये काम आ सकता है, ठीक है। और ये देखें ये आपके ये इंसर्ट पे क्लिक किया, ये देखें आप इधर ये पिक्चर्स भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेबल बनाना है तो आप टेबल भी बना सकते हैं, कोई क्लिप क्लिप का कोई शेप्स वगैरह भी बना सकते हैं, कोई चार्ट बनाना है तो आप चार्ट वगैरह भी इसमें बना सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है एमएस वर्ड का, ठीक हो गया। तो इसमें जो है आप डिफरेंट टाइप्स के, मतलब अगर आपने चेंजिंग करनी है, सपोज डेट आप कुछ लिखते हैं इधर टाइप करते हैं तो इसको जो है आप इसकी फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो इसकी इसको आपको समझना जरूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है एमएस वर्ड का कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई एनरोल होना चाहता हो तो सर तो सीफ से इसकी गाइडलाइन भी ले सकता है, ठीक है। हम अब चलते हैं सेकंड स्किल की तरफ जो कि है हमारा पावर पॉइंट का, तो उसकी तरफ चलते हैं, एक सेकंड। इधर हम टाइप करेंगे पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट है, ठीक है। तो देखें जैसे इधर भी देखें, इधर भी सर्विसेज काफी ज्यादा हैं, 12,000 से अबव है,
तो इधर भी कंपटीशन काफी हाई है, तो इधर हम इस तरह कर लेंगे कि इसका जो कीवर्ड्स हैं वो थोड़े से चेंज कर लेंगे, चेंज करके देख लेंगे कि क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, इसको चेक कर लेंगे इसमें कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये देखें, ये 12,000 से होके ये 7,000 तक आ गई है, देखा फर्क पड़ गया ना। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने कीवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप कि किसी एक कीवर्ड पे, इन कीवर्ड पे ज्यादा आपको सर्विस अवेलेबल है या ज्यादा कंपटीशन है, तो आप अपना कीवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप इसका जो है 7,000 से अबव इसकी सर्विस है, हम इसको मजीद चेंज करते हैं। हम पावर पॉइंट स्लाइड्स टाइप करते हैं यहाँ पे, मे बी इसके जो सर्विसेज हैं वो कम हो और कंपटीशन कम हो। तो इधर पावर पॉइंट स्लाइड इधर टाइप करते हैं, स्लाइड पे क्लिक किया तो इधर देखें ये मजीद जो है ये कम हो गई, कंपटीशन अब आपका जो है वो कम हो गया है। आप यहाँ पे अपनी गिग भी रैंक कर सकते हैं थ्रू क्रिएटिव कीवर्ड्स। याद रखिएगा, जो आपकी जो गिग है उसके ऊपर इंप्रेशन तभी अच्छा आएगा जब आपकी आउटलुक अच्छी होगी, मींस कि आपने जो थंबनेल लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो ग्रैप हो सके और आपकी गिग वगैरह जो है वो चेक कर सके और इंप्रेशन आ सके और आपका जो गिग है वो रैंक भी कर सके। तो इसके लिए मैंने जैसे लास्ट भी सेशन में कहा था कि आपको जस्ट फाइबर पे डिपेंड नहीं करना, गिग फाइबर पे डाल के नहीं रखनी, आपने इसको डिफरेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे इसको सोशलाइज करना है, उस पर मार्केटिंग करनी है। ठीक है, तो इसका पावर पॉइंट का भी इंटरफेस मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले मैं इसको चेक करा देता हूँ, इसमें आप चेक कर लें ये गिग्स बना के लोग इधर से भी अर्निंग कर रहे हैं। ये देखिए इनके पास है 182 इनके पास ऑर्डर्स आए हुए हैं, ये 4.9 रेटिंग लेके बैठे हुए हैं, ये 5.0 ऑर्डर 5.0 इनके पास रेटिंग है, ये ऑर्डर लाइन की तरफ, फिर ही वो ग्रैप होगा आपकी गिग की तरफ। ठीक है, अब इसमें से कोई मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप ये देखें जिस तरह इन्होंने सेट किए हुए हैं, बेसिक जो है ये 5173 चार्ज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में इन्होंने डिफरेंट किए चार्जेस किए हुए हैं, और प्रीमियम है, प्रीमियम में इन्होंने डिफरेंट चार्जेस किए हुए हैं। तो कोशिश करें, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यू हैं फाइवर के ऊपर, तो थोड़े से स्टार्ट करें। मैंने लास्ट भी सेशन में आपको ये गाइडलाइन दी थी। ठीक है, अब मैं आपको जो है इसका इंटरफेस शो करवा देता हूँ पावर पॉइंट का, पावर पॉइंट दिखने में कैसा होता है। ठीक है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। तो ये पावर पॉइंट ऐसे होता है, तो ये पावर पॉइंट का ये अब बेनिफिट है कि आप इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं। ये देखें आप इसमें जो है के तौर पे भी इसमें बना सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, किसी वर्क के थ्रू इसमें आप चार्ट भी बना सकते हैं, शेड्स भी, शेप्स भी डिफरेंट बना सकते हैं, और पिक्चर भी इंसर्ट करते हैं, जैसा कि ये एमएस वर्ड में भी था जो मैंने आपको पहले दिखाया है। ठीक है, इसका सेशन तो इसके अकॉर्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो, क्यूरी हो, तो मेरे से अनम्यूट होकर पूछ सकता है। ठीक हो गया।